में भारतीय कला मंदिर एवं दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में चूना चौक स्थित रामलीला मैदान में 3 दिवसीय नानी बाईरो मायरो कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में राजस्थानी भाषा में जानी मानी कथावाचक सुश्री रीतम शर्मा ने मायरो की कथा सुनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत की प्रवृत्ति हमेशा कल्याणकारी होती है, लेकिन सच्चा संत वही होता है जो जन कल्याण में लगा रहता है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालु महिलाओं को गरीबों की सेवा करने का आह्वान किया। इस दौरान सजी झांकी और सुमधुर संगीत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आपको बता दें कि रीतम शर्मा महज 20 साल की है और वे बताती है कि घर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते करते वे भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि वे अब नानी बाईरो मायरो के जरिए महिलाओं के साथ साथ युवाओं में भक्ति भाव जगाने के लिए यह कदम उठा रही है। रीतम का यह चौथा आयोजन है। इससे पहले वे झुंझुनू में ही 3 जगहों पर नानी बाईरो मायरो की कथा कर चुकी हैं। 3 दिन तक मायरा चला और अब समापन है आज कथा का। बस यही कि भाई सब दान करें, अच्छे से गरीबों को दान करें, दान और गरीबों की सेवा करें। बस मेरा पहला मायरा अजाड़ी में हुआ और दूसरा मायरा नुआ में हुआ और तीसरा गुड्डा में किया है और चौथा मायरा है मेरा। बस वो ठाकुर जी की कृपा कि भाई मतलब मैं छोटी थी तब से ही मेरा मतलब ठाकुर जी में था। मैं भक्ति भाव में ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि मेरे को ठाकुर जी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए।